सो फाइनली गाइस करीब 2000 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हम, और देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। और आगे चलते हम धीरे धीरे जा रहे हैं, और यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए काफ़ी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है, 9999। सोच सकते हैं क्या हालत होने वाली है मेरी। और पीछे की ओर का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं क्या ही गजब व्यू आ रहा है। माउंटेन देखिए, ये देखिए यहाँ पे पानी है जो ये मतलब पत्थरों से आ रहा है, ऊपर से झरनों का पानी है। बारिश के टाइम, बारिश का टाइम है, बारिश होती है तो ऊपर से जो पानी होता है वो ये पत्थरों के बीच में से धीरे धीरे होके से आता है। देख सकते हैं पत्थर एकदम टूटा हुआ, इतने बड़े बड़े पत्थर है जो गाइस चलिए और ऊपर। ये नज़ारा देखिए यहाँ पे, सुबह को जल्दी से आएंगे, चढ़ना शुरू कर देंगे तो धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सूरज इस साइड आ गया तो काम तमाम, सीधा धूप आएगा। तो मॉर्निंग का टाइम है, वो मॉर्निंग के 9 बजे, अभी 9 बज चुके हैं, मैं पिछले 6:30 बजे से चढ़ रहा हूँ यहाँ पे, अभी 9:07 हुआ है और ऊपर अभी चढ़े जा रहे हैं। पानी देखिए यहाँ पे, तो मतलब सुबह को जितना आप जल्दी हो सके उतना चढ़ना शुरू कर दिए। 6 बजे से सुबह को यहाँ से गेट ओपन हो जाता है, यहाँ से आप चढ़ना शुरू करते हैं, और रात को टाइम करीब 9 बजे तक तो आई थिंक रहता होगा, चढ़ने का देते होगे, चढ़ने देते होगे, लेकिन उसके बाद आप लोग यहाँ से चढ़ नहीं सकते क्योंकि रात के टाइम यहाँ पे जानवर आते हैं, शेर ऐसे जंगली जानवर आ जाते हैं, तो इंसान के लिए काफ़ी ख़तरा हो सकता है। और नीचे की तरफ देखिए इतना घना जंगल है, मतलब हर जहाँ नज़र जा रही है वहाँ पे जंगल ही जंगल, और ये कोई छोटा मोटा माउंटेन नहीं है। ये नज़ारा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए गाइस, गाइस ऊपर की तरफ चलते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे सूरज दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा, इस साइड से नहीं दिखेगा, मुंबई का देख सकते हैं। बीच बीच में ऐसे सीधे रास्ता भी आ जाता है जिससे यात्रियों को चढ़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन थकान बहुत होती है। और ये गर्मी का टाइम है वैसे तो, इस वजह से ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे छाँव है, जो पूरा पर्वत है उसकी छाँव यहाँ पे आ रही है, और आने वाला है वो रास्ता काफ़ी डेंजर वाला जो आप लोगों को दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर, गुफाएं बता रहा था तो छोटी छोटी गुफाएं हैं यहाँ पे, महाकाल देख सकते हैं ये पत्थर चारों तरफ से टूटा हुआ है, जैसे सर पे आके गिर जाए ऐसा लग रहा है यहाँ पे। यही नज़ारे का बता रहा था आप लोगों को, देख सकते हैं क्या नज़ारा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पत्थर देखिए, ये गुफा है, अंदर तक है ये गुफा है।
राजा गोपी नंदन। चलिए आगे चलते, अब हम ये सामने से लोग उतर रहे हैं। देख सकते हैं सीढ़ियां ग्राउंड ढलान इधर मुड़ चुकी है। फोटोग्राफी देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ आप लोग पर्वत आ चुका है एकदम पथरीला, और आप लोगों को शायद दिख रहा हो सामने की तरफ झरने आ रहे हैं, छोटे छोटे से पानी के झरने हैं वो सब। और यहाँ का व्यू देखिए, फोटोग्राफर भी है यहाँ पे, यहाँ इस लोकेशन पे अगर फोटो खिंचवाना है खिंचवा सकते हैं, रोप वे का रास्ता है। ऊपर आते आप लोगों को ये लगेगा इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने का मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि इतने खूबसूरत से नज़ारे नज़र आते हैं। और यहाँ का व्यू मतलब बता नहीं सकता, इतना खूबसूरत है कैमरे से बता नहीं सकते, आँखों से देखोगे तो आप लोगों को एकदम मज़ा आ जाएगा यह नज़ारे देख के। आपको खंभा दिख रहा होगा, अभी के टाइम में थोड़ी मतलब वहाँ पे थे, देख सकते हैं रोप वे बग्घी आ रही है ऊपर, और देख सकते हैं पीछे की ओर। और एक बार यहाँ से नीचे गए तो काम तमाम, देख सकते हैं ये। चलिए गाइस ऊपर चलते हैं, और मेरी हालत तो बता नहीं सकता, देख सकते हैं ये पुराने से खंडहर हो चुके हैं। तुलसी रेखा कम की मीन यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है 2700 सीढ़ियाँ हो चुकी है, श्री राम जी मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पे श्री राम जी मंदिर है, राम जी की मूर्तियाँ लगी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, श्री महाकाल जय महादेव, महादेव जी का छोटा सा मंदिर, मतलब आधे रास्ते में मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचा था, तब तक तो मैं भी बोर होने लगा था, लेकिन जैसे ही ऊपर आया मज़ा आ गया, नज़ारे इतने खूबसूरत हो गए। देख सकते हैं पीछे की साइड काफ़ी लोग आ रहे हैं, और ये पत्थर देख सकते हैं यहाँ के आगे आके देखता है, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, बस इतना लेंगे इससे ज़्यादा नहीं। इधर से पेल गया तो सीधा नीचे है, ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। वो ये देख सकते हैं सामने जो दुकान दिख रही है, वहाँ से चलते चलते घूमते घूमते ऊपर की साइड आ रहे हम। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, सो गाइस चलिए और ऊपर चढ़ते हैं। देख सकते हैं कितने कितने लोग आ रहे हैं, और ये देखिए कुछ मतलब
ऐसी ऐसी चीजें जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। इतनी बड़ी उम्र के लोग भी यहाँ पे चढ़ने के लिए आते हैं। और गाइस ये पर्वत का नजारा देखिए, फोकस। सामने जो पर्वत माला दिख रही है वो गुरु दत्तात्रेय, वो सखी दत्तात्रेय, उसका अलग से रास्ता है यहाँ से चढ़ने का। ए जागू, ए लोभी जो हमारी, अभी यहाँ से इस साइड ऐसे जाना है। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते ऊपर की साइड। सो गाइस यहाँ पे देखिए छोटे छोटे गुफा है, ये देख सकते हैं। जब शिवरात्रि आती है उस टाइम यहाँ पे नागा साधु होते हैं, जो लोग यहाँ पे अपनी जगह बना के बैठते हैं, साधु लोग होते हैं, वो नागा साधु कहते हैं। शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे आते हैं और शिवरात्रि के बाद वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं है, इन जंगलों में चले जाते हैं। और जब वापस शिवरात्रि मेला आता है तब वो लौट के आ जाते हैं। और बहुत सारे साधु ऐसे भी है जिसके पास अद्भुत सी शक्तियाँ भी है जो आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए शिवरात्रि के बाद गायब हो जाते हैं, कहीं दिखने नहीं मिलते पूरे साल। तो चलिए ऊपर की साइड, छोटे छोटे मंदिर आने वाले हैं अब जो देख सकते हैं आप। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पत्थर देखिए, काई खतरनाक लुक आ रहा है गाइस। ऐसे छोटे छोटे मंदिर तो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे ही। लोग यहाँ पे लकड़ियों की मदद से भी चल रहे हैं, सो आप देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर और जाते हैं, अभी तो काफ़ी चढ़ना है इसलिए बता रहा था। दो या तीन पार्ट में वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, सिंगल पार्ट में अपलोड करके डालने में मतलब सोच सकते हो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे बिजली लाइट बोलते हैं, बिजली पहुँचा दी है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मतलब यहाँ का पर्वत है उसका एंड आता है वहाँ तक ये लाइट जा रही है। सो गाइस अब व्यू देखिए यहाँ पे, गजब व्यू आ रहा है यार। काफ़ी थकान सी हो जाती है लेकिन जब ऐसे नज़ारे देखने को मिलने लगते हैं तो थकान अपने आप गायब हो जाती है। लेकिन मेरा यह है बोलने की वजह से सांस तेज़ हो रही है थोड़ी सी, कि बोलने के साथ साथ चिड़िया भी चढ़